डिपार्टमेंट असेंबली जो कि संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को मिलती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो 15 वुमेन मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पार्ट होती हैं, उसमें से एक फेमस सोशल रिफॉर्मर एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हंसा जीवराज मेहता, जिनका जन्म आज ही जुलाई 3 को होता है, जिन्होंने सबसे पहले यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वहां पर मैन से टू ऑल करवा दिया सो दैट वुमेन के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो। एंड इवन इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल की सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के मेंबर रही हैं एंड वुमेन्स की इक्वल ट्रीटमेंट के लिए हरदम लड़ती रही हैं। इवन शारदा एक्ट भी इंप्लीमेंट करा गया एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में आज डिस्कशन लगातार चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हंसा जीवराज मेहता ने 1946 और 49 के बीच में आवाज उठाई बट फाइनली मोशन पास नहीं हो पाया, इसलिए उसको DPSP में ऐड कर दिया गया एंड फंडामेंटल राइट्स में ऐड नहीं किया गया सो दैट वो इनफोर्सिबल।